योगी जी ने महिला और दलितों का क्या अपमान, ओमकार कटारिया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र गजरोला में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में झाड़ू लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने CNN न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। मुख्यमंत्री महोदय ने इस तरह का बयान देकर महिलाओं व दलितों का अपमान किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा झाड़ू लगाते हुए वायरल वीडियो पर शर्मनाक बयान दिया और कहा कि वह इसी लायक हैं, जनता उनको इसी लायक बनाना चाहती है। ओमकार कटारिया ने कहा कि क्या योगी जी महिलाएं अपने घरों में साफ सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं और सफाई कर्मचारी सफाई करने का काम करते हैं, तो क्या यह लोग सिर्फ झाड़ू पोछा करने लायक हैं। ओमकार कटारिया ने कहा कि आपकी मानसिकता महिला व दलित विरोधी है। ओमकार कटारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, जिनके खिलाफ आपने बयान दिया है, यह लोग आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। समर इंडिया के लिए गजरोला से भरत सिंह की रिपोर्ट। जी, आज जो आप ये झाड़ू लगा रहे हैं शहर में, क्या मामला है पूरा बताइए। देखिए, हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा के लोग गजरोला के नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ सामुदायिक केंद्र गजरोला के बाहर झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो दूषित विचारों की राजनीति की है, हम उस गंदगी को झाड़ू लगा के साफ करने का काम कर रहे हैं। मेन मुद्दा है कि लखीमपुर खीरी किसानों का दुख दर्द बांटने के लिए जाते वक्त हमारी नेता, राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार ने अरेस्ट किया था और सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा था। वहाँ पर जिस कमरे में उनको नज़रबंद किया गया था, उसकी साफ सफाई उन्होंने की थी, वहाँ वो झाड़ू लगा रही थी दिनचर्या के तहत। तो उस पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने एक टिप्पणी की है और कहा है कि जनता उनको झाड़ू ही लगाने लायक बनाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, घर में महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, पूरे देश में सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं, महिलाएं घर में साफ सफाई के लिए पोछा झाड़ू करती हैं, सफाई कर्मी पूरे देश को झाड़ू लगाकर साफ करते हैं। क्या सारे लोग आपके नज़र में इसी लायक हैं? आप महिलाओं को और दलितों को जो देश में झाड़ू लगाने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, उनको नीचा समझते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। हम ऐसी मानसिकता की निंदा करते हैं और हम ऐसी महान नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को बार बार सलाम करते हैं, उनके हौसले और जज्बे को और हिम्मत को, कि उनके अंदर इतनी सादगी है और इतनी सादगीपूर्ण तरीके से वो अपने जहां वो रह रही हैं वो साफ सफाई कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो महिलाओं का गरिमा रखें, महिलाओं के सम्मान की गरिमा रखें और हमारे जो दलित समाज के भाई हैं जो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह और उनके आवास में भी झाड़ू लगाने का काम करते होंगे, उनके कार्यालय में भी झाड़ू लगाने का काम करते होंगे, उनके खिलाफ जो इन्होंने शर्मनाक बयान दिया है उसकी हम कांग्रेस पार्टी के लोग निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। लखीमपुर खीरी में घटना के बाद में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, कार किसानों के ऊपर चल रही है, उस पर आज जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि जो आरोपियों ने क्लीन चिट देने की बात कही गई है, क्या कहेंगे? टीनू को क्लीन चिट देने का एक मैसेज वायरल हो रहा है, उसको बताइए। देखिए, हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोषियों को बचाना चाहते हैं, किसानों के हत्यारों को बचाना चाहते हैं। पहले दिन से हमें मानसिकता लग गई थी कि भाजपा जो किसानों के हत्यारे लोग हैं उनको बचाना चाहती है। तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, मीडिया ने दे, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से खुलेआम किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई और उन पे सरेआम किसानों की हत्या की गई और उन पे भी भाजपा सरकार आज तक जिनके नाम FIR है उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पर हम ये बात कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को और भाजपा के नेताओं को कि जिस तरह से आप किसानों का अपमान कर रहे हैं, दलितों का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, 2022 के चुनाव में ये लोग आपको झाड़ू लगाने लायक नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, लोकसभा एक ये भी रह गया, देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी झाड़ू लगाई थी बट परंतु वो लोग, उनकी मानसिकता बहुत गंदी है भाजपा के लोगों की और वो लोग आज जो उन्होंने बयान दिया बहुत शर्मनाक है।
उन्होंने घोर महिलाओं का अपमान किया है और दलित समाज का अपमान किया है। और वो अपने प्रधानमंत्री की भी बात को नहीं मानते हैं, वहाँ ऐसी परंपरा है। आडवाणी जी की बात कोई नहीं सुनता है, जोशी साहब की बात कोई नहीं सुनता है, भाजपा में कोई भी अपने बड़ों का सम्मान करना उन्होंने नहीं सीखा है। देखिए महिलाओं को अपना अपमान में क्या शब्द गए हैं उन्होंने, महिलाओं के अपमान में ये सब किया कि वो लोग जो हैं जनता इनको झाड़ू लगाने लायक ही बनाना चाहती है, परंतु इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं था। हर महिला अपने घर में झाड़ू पोछा करती है, हर महिला अपने घर में झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, बर्तन मांजती है, और हमारे दलित समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान को साफ सफाई रखने के लिए झाड़ू लगाते हैं। इस तरह से कहना कि वो इस जनता उनको इसी लायक बनाना चाहती है या मान लिया जनता उन्हें इसी तरह देखना चाहती है, तो ये एक तरीके से महिला का अपमान है। ठीक, थैंक यू। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो सच है।